देखो हाइड्रोजन एटम है और अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, आयनाइज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम नहीं है, आयनाइज हाइड्रोजन एटम है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उससे जा चुका है, बेचारे के पास एक ही था, एक ही किसी को दे दिया, तो उसके पास पॉजिटिव प्रोटॉन, ये आयनाइज हाइड्रोजन एटम है, अल्फा पार्टिकल है, सेम मोमेंटम लेके परपेंडिकुलर टू कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी में एंट्री मार दिए। अब रेशियो ऑफ रेडियस, अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैं बोर्ड के प्लेन के अंदर लगा देता हूँ, ये वाला जो कि मेरा फेवरेट है, या सभी लोग, ये काफ़ी अच्छा लगता है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, बोर्ड के अंदर है ऐसा कुछ, ठीक है, तो बोर्ड के अगर प्लेन में अगर देखोगे तो यहाँ से मैं एक बाउंड्री सेट करता हूँ और एक आयनाइज हाइड्रोजन एटम, आयनाइज मतलब ये आयनाइड हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास अगर मास एम है और चार्ज ई है, तो अल्फा पार्टिकल के पास जो मास है वो 4m होता है और चार्ज 2e होता है, हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम, ठीक है, तो ये जो ये हमें पता होना चाहिए, पहले से हमें पता होना चाहिए इन्हीं दोनों की कहानी है, और दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो अगर ये वी वेलोसिटी से इसमें एंट्री कर दिए, ऐसे वी वेलोसिटी से, हम सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बोर्ड के अंदर है, ठीक है, और वी वेलोसिटी से हमने रिलीज किया, समझना है इसको, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और हमने वी वेलोसिटी से ऐसे रिलीज किया, तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल जो लगता है वेक्टर फॉर्म में वो क्यू वी क्रॉस बी के फॉर्म में लगता है मेरे भाई, तो वी क्रॉस बी के फॉर्म में लगता है ये वाला फोर्स, तो वी क्रॉस बी मतलब जैसे ऐसे छोड़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ऐसे छोड़ोगे तो फोर्स वी क्रॉस बी फोर्स ऊपर लगेगा, समझ में आया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, तो जब मैं ऐसे छोड़ूंगा तो फोर्स वी क्रॉस बी फोर्स तो ऊपर लगे, तो ऐसे छोड़ूंगा तो ऐसे नहीं जाएगा ना, ऐसे इस टाइप के सर्कुलर प्लेन में घूमेगा, ये जहां से छोड़े थे अगर मैग्नेटिक फील्ड सफिशियंट है तो वहां तो आएगा ना, सर्कल कंप्लीट करेगा, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से सर्कुलर पाथ होगा जहां से छोड़े थे वही है, ये वाली जो है वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे, ठीक है, थोड़ा रुको यहाँ पे, रुको और सोचो, विजुअलाइज करो 2 मिनट, तो अगर बोर्ड के प्लेन में अगर देखेंगे, बोर्ड के प्लेन में अगर देखेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर तो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो अगर बोर्ड के प्लेन में देखेंगे तो यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे कुछ मतलब ऐसे बाहर आ जाएगा यार, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सफिशियंट नहीं है तो ये यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएगा, अगर कंप्लीट होता तो ऐसे सर्कल कंप्लीट करता, तो ये जो रेडियस बना सर्कुलर पाथ का, उस रेडियस की रेशियो भी निकालना है, ऑब्वियसली डायरेक्ट फार्मूला आपको पता होगा, रेडियस इज इक्वल टू एम बी ओवर क्यू बी, ये फार्मूला आपको पहले से याद होना चाहिए, रेडियस इज इक्वल टू चार्ज पार्टिकल का एम बी। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और सेम मोमेंटम है, मोमेंटम तो ये जो एम बी है ये मोमेंटम ही तो है पार्टिकल का, क्यू बी ये एम बी मोमेंटम ही तो, अब बी और इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज पार्टिकल के, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज पार्टिकल के, तो यहां से अब दोनों के लगा दो, किसका किसका रेशियो पूछा है, रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल एंड डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन हाइड्रोजन, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना है, 2e है और हाइड्रोजन पे चार्ज e है, तो 2:1 इसका सोल्यूशन सही है, ठीक है, तो 2:1 इसका सोल्यूशन सही है।